आज के फनकार। प्रस्तुत है आज के फनकार। सभी श्रोताओं को जी श्याम का नमस्कार। आज एक ऐसे चित्रकार की चर्चा है जो अपनी चित्रकला के माध्यम से चलचित्र बनाने के सफर में सफल रहे और जिनका नाम सिनेमा के इतिहास में अमर है। प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्मकार बाबूराव पेंटर पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के फनकार। बाबूराव पेंटर चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्मकार, फोटोग्राफर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दक्षता के साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बाबूराव कृष्णाजी मिस्त्री एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी असली प्रसिद्धि फिर फिल्म उद्योग में उनकी उपलब्धियों से हुई। उनका जन्म 3 जून 1890 को हुआ था। इनके पिता एक बढ़ई थे और शिल्पकार भी थे। पिता से इन्होंने कला को ग्रहण किया और अपनी मेहनत, कलात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकार से भारतीय सिनेमा के एक पुरोधा के रूप में आप याद किए जाते हैं। बाबूराव को कला उनके पिता से विरासत में मिली और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कला की दुनिया से परिचित हुए। पेंटिंग और मूर्तिकला में अपने आप को इन्होंने माहिर किया। इनके चचेरे भाई आनंद राव के साथ मिलकर तेल चित्रकला, फोटोग्राफी और फिर फिल्म निर्माण के प्रति आकर्षित हुए। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका करियर प्रसिद्ध थिएटर कलाकार केशवराव भोसले की ललित कला दर्श नाटक मंडली से आरंभ हुआ। मंच पृष्ठभूमि कलाकार यानी कि बैकड्रॉप आर्टिस्ट के रूप में 1910 से 1916 के बीच उन्होंने किर्लोस्कर नाटक मंडली, बाल गंधर्व के नाटकों और गुजराती पारसी थिएटरों जैसे संगीत नाटक मंडलियों के लिए मंच पर कई पृष्ठभूमि चित्रित की और बाबूराव के असाधारण अभूतपूर्व कार्य के कारण ही इनके नाम के आगे पेंटर प्यार से जुड़ गया, जो इनकी पहचान भी बना। अब इनका संबोधन पेंटर के रूप में होने लगा। मंच के बाद बाबूराव पेंटर का रुझान फिल्म की ओर बढ़ गया। एक जुनूनी कलाकार तो थे ही, फिल्मों के निर्माण के प्रति बढ़ता आकर्षण, 1918 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी स्थापना तक इन्हें ले गया। बाबूराव पेंटर ने फिर कई फिल्मों का निर्देशन, पटकथा लेखन और फिल्मों में अभिनय भी किया। ध्यान रहे, हम मूक फिल्मों के दौर की बात कर रहे हैं। बाबूराव और उनके चचेरे भाई एक सिनेमा का कैमरा लेना चाहते थे और उस दौर में ये इतना आसान नहीं था। कैमरे को पाने की जिद में वो दादा साहब फाल्के तक से संपर्क कर चुके थे, पर बात बनी नहीं। फिर स्वदेशी कैमरा बनाने का इन दोनों ने निश्चय किया। उनके सपने को साकार करने में मदद करने वाले उनके शिष्य थे वीजी दामले, जिन्होंने लेथ मशीन पर कई प्रयोग करके बाबूराव की मदद की। कहने का अर्थ ये कि ये बाबूराव पेंटर ही थे जिन्होंने स्वदेशी सिनेमा के लिए कैमरा तैयार किया। स्वदेशी जैसे बच्चे स्थानीय रंकाला तालाब में कूद रहे हैं, महिलाएं पंचगंगा नदी के तट पर कपड़े धो रही हैं। पर यह बात तो थी कि कोल्हापुर में फिल्म स्ट्रिप्स, पट्टियों को धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बाबूराव पेंटर ने लैब, रसायन विज्ञान के आधार पर मुद्रण मशीन भी बनाई। फिर थिएटर में जाकर क्लिप देखी तो उनका सपना पूरा होते हुए देख उन्हें बेहद खुशी हुई। अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर इन्होंने डेक्कन सिनेमा आरंभ किया था, लेकिन ये जल्द ही बंद हो गया था।
फिर 1913 में इन दोनों ने ही मिलकर महाराष्ट्र सिनेमा कंपनी की स्थापना की। इसे भी बंद करने के बाद 1 दिसंबर 1917 को बाबूराव ने अपने भाई की याद में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी बनाई और फिर 1919 में कलात्मक मूक फिल्म सैरंधरी का निर्माण किया। सैरंधरी अपने आप में यह फिल्म मील का पत्थर थी। इस फिल्म की विशेषता कल्पनाशीलता, भव्यता और पौराणिक युग के शाही वैभव का दर्शन कराने में ये सफल हुई। इसके अलावा ये पहली फिल्म थी जिसमें महिला कलाकारों ने काम किया था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि उस समय महिलाएं सिनेमा में काम नहीं करती थीं। इस फिल्म से पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी फिल्मी सफर पर चल पड़ी थीं। ये फिल्म सैरंधरी 1920 में पुणे में प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म का प्रीमियर 8 फरवरी 1920 को हुआ था। उस वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उपस्थित थे। इसी फिल्म को 1933 में पुनः निर्मित किया गया, जो महाभारत के प्रसंग पर आधारित है। निर्देशक थे वी शांताराम। इस द्विभाषी फिल्म को मराठी और हिंदी में प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। कलाकार थे मास्टर विनायक और लीला। अब हम आपको बाबूराव पेंटर के 1920 से 1930 तक के फिल्मी सफर पर लिए चलते हैं। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी ने इस दरमियान 17 फिल्मों का निर्माण किया। कंपनी की स्थापना के समय वीजी दामले, एस फतेह लाल, लेखक नाना साहेब सरपोद्दार और बाबूराव पेंढारकर इनके साथ थे। इन फिल्मों में कुछ फिल्में थीं 1921 की सुरेखा हरण,
ये वी शांताराम की पहली फिल्म थी। इस फिल्म से बाबू राव को आर्थिक लाभ हुआ। उस वक्त उन्होंने बेल एंड हाविल द्वारा निर्मित उस समय का सबसे अच्छा कैमरा खरीदा था। ১৯২৬ की भक्त प्रहलाद, ১৯২৩ की सिंगर, ১৯২৪ की कल्याण खजीना, इस फिल्म ने लंदन के वेम्बली में ब्रिटिश साम्राज्य प्रदर्शनी में पदक जीता था। ১৯২৪ की सती पद्मिनी और ১৯২৫ की ऐतिहासिक फिल्म सावकारी पाश, ये एक यथार्थवादी फिल्म और इस फिल्म का कथानक सामाजिक था। जहां तक सिंगर फिल्म की बात है तो ये फिल्म कई मायनों में अहम थी, महत्वपूर्ण थी। रात की शूटिंग उस काल में नहीं की जाती थी, तो बाबू राव ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर प्रज्योत दिव्य यानी कि आर्क लैंप की रोशनी में रात की जो लड़ाई के दृश्य हैं उन्हें शूट किया। यहां भी फिर बाबू राव पेंटर पहली बिजली की रोशनी में फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म बनाने में सफल रहे। पन्हाला किले की लोकेशन के कारण आउटडोर शूटिंग की जाने वाली थी और ये पहली आउटडोर शूटिंग वाली फिल्म थी। इसी फिल्म के साथ मुंबई में दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आना पड़ा। सोचिए, इसी फिल्म की सफलता ने सरकार को टैक्स के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया और इस फिल्म पर मनोरंजन कर लगा दिया गया। अभी प्रयोग की बातें खत्म नहीं हुई हैं। बाबू राव पेंटर ही थे जिन्होंने सिंगर फिल्म के प्रचार के लिए नक्काशी के साथ 10x20 फीट की लंबाई चौड़ाई वाले पोस्टर तैयार किए जो बहुत प्रभावी, आकर्षक और लुभावने थे। इस लिहाज से भी फिल्म पोस्टरों के जनक के रूप में बाबूराव पेंटर को ही श्रेय जाता है।
सिनेमा और उसका जनजीवन पर प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है फिल्म सैरंधरी में कीचक वध का दृश्य। वो इतना प्रभावशाली था कि महिलाएं थिएटर में चीखने लगी थी और कुछ दर्शक तो बेहोश तक हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विश्व सिनेमा में भी बाबूराव पेंटर मूक फिल्मों में कल्याण खजीना, सती पद्मिनी और सिंगड़ को यूरोप में प्रदर्शित किया गया था और वेम्बली फिल्म प्रदर्शनी में इन्हें पदक भी प्राप्त हुआ था। जहां तक बाबूराव के कला कौशल की बात है तो वे अपने समय के आगे के निर्देशक थे। उनकी विचारधारा और सोच पर्दे पर झलकती थी और इसी कुशलता के साथ उन्होंने मराठों के गौरवशाली इतिहास को अपनी फिल्मों में चित्रित किया। यहां यह भी रोचक और जानने योग्य है कि मूक फिल्म सैरंधरी के प्रदर्शन के समय बाबूराव ने अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में फिल्म के कथानक की जानकारी देने वाले ब्रोशर और सचित्र पुस्तिकाएं वितरित की, पोस्टर भी, विज्ञापन बोर्ड का इस्तेमाल भी उनकी योजना के अंग में था जो आज अपरिहार्य है। वत्सल हरण फिल्म के निर्माण के बाद बाबूराव पेंटर ने फिल्म मार्कंडेय की शूटिंग शुरू की, लेकिन 6 नवंबर 1922 को शूटिंग के दौरान आग लग गई। हालांकि इस जीवट फिल्मकार ने उस संकट काल के दौरान भी अपनी दुनिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिल्म निर्माण जारी रहा। बाबूराव पेंटर की फिल्म कंपनी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी एक अग्रणी फिल्म कंपनी थी। समयानुकूल वेशभूषा और माहौल तैयार करने की बाबूराव में काबिलियत और कल्पनाशीलता थी। उनका जोर पौराणिक फिल्मों से ज्यादा सामाजिक सरोकार के विषयों पर फिल्म बनाने पर रहता था। बाहरी दिखावे के बजाय उनकी फिल्मों में अभिनय पर जोर रहता था। बाबूराव का असली प्यार पेंटिंग था। फिल्म निर्माण में व्यावसायिक दृष्टिकोण की उनकी कमी अपने साथियों के साथ मतभेद लेकर आई। कुछ एक ने कंपनी छोड़ दी। हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए सीता स्वयंवर की कहानी को चुना था। ये एक पौराणिक कहानी थी और दर्शकों को पसंद आने का आश्वासन भी देती थी, लेकिन अभिनय के लिए महिला कलाकार नहीं मिले। इस फिल्म का ख्याल छोड़ा इन्होंने और आगे बढ़ गए। अपनी अगली फिल्म के लिए बाबूराव गुलाब बाई उर्फ कमला देवी और अनुसुईया बाई उर्फ सुशीला देवी को सैरंधरी फिल्म में अभिनय के लिए मनाने में सफल रहे, जिससे सैरंधरी महिला कलाकारों को फिल्मी पर्दे पर लाने वाली पहली भारतीय बाबूराव पेंटर की फिल्म बनी। फिल्मों के दौर के बाबूराव पेंटर को फिल्मों में ध्वनि के आगमन से कोई उत्साह नहीं जागा। उनका मानना था कि वर्षों से विकसित हुई दृश्य संस्कृति को इससे नुकसान होगा और कुछ मूक फिल्मों के निर्माण के बाद महाराष्ट्र फिल्म कंपनी बंद हो गई। उनके सहयोगी वी शांताराम, वी जी दामले और एस फतेहलाल उनके मार्गदर्शन में समृद्ध हुए। उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी बनाई जिसके बैनर तले कई मराठी फिल्मों का निर्माण किया गया। बाबूराव पेंटर ने 1935 में ओशा, 1936 में सावकारी पाश, 1937 में प्रतिभा और 1946 में रुक्मणी स्वयंवर जैसी बोलती फिल्मों का निर्देशन किया। संभावित सफलता नहीं मिली। बाद में 1947 में वी शांताराम ने राजकमल कला मंदिर के लिए फिल्म लोकशाहिर राम जोशी का निर्देशन का कार्य इन्हें सौंपा, पर किन्हीं कठिनाइयों के कारण फिर वी शांताराम को स्वयं इस निर्माण के कार्य को पूरा करना पड़ा। नाही पुरली म्हणून विरली पुन्हा नाही फिरली कुणाची सांग, कुणाची सांग।
नारू गीदी दशी कळी सोन ताफ्याची न पडू पाप्याची दृष्टी सोप्याची नसेल ती नार अति नाजूक तनु देखणी अति नाजूक तनु देखणी गुणाची खणी उभी नाव खणी चढू न सुकुमार नारी गीदी जशी मनमथ रती धाकटी जी अरे जशी मनमथ रती धाकटी सिंह समकटी उभी एकटी गळ्या मधिहार अंगी तारुण्याचा बहर अंगी तारुण्याचा बहर ज्वानिता कहर मारिते लहर मदन तलवार मदन तलवार मदन तलवार मदन तलवार पायी पैंजण झुमकेदार गुणाची दार अपायी पैंजण झुमकेदार गुणाची दार कोण सरदार हिता भरतार कोण सरदार हिता भरतार कोण सरदार हिता भरतार नारी ग नाका मध्ये बुलाख सुरती नाका मध्ये बुलाख सुरती चांदणी वरती चमकती परती हिच्या पुढे फार चमकती परती हिच्या पुढे फार तिन खाप अंगी सालाल तिथं पुढे नको धनमाल कविराज चमकतो हिर कविराज चमकतो हिर लोक जाहीर इतर शाहीर का जवा वांग इतर शाहीर का जवा वांग नारी गीदी सुंदरा नाम भरली सुंदरा 1952 का वर्ष जब मुंबई में रहते हुए बाबूराव पेंटर ने विश्वामित्र फिल्म बनाई ये फिल्म कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहाँ ये जानकारी रोचक है कि सावकारी पाश जो 1925 में बाबूराव ने बनाई थी जो चित्रकार की कलात्मक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है हालांकि इसे आशातीत सफलता नहीं मिली थी फिर इन्होंने इसे टॉकी के रूप में 1936 में रीमेक किया फिर बनाया। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। चित्रकला में उनके कौशल के कारण इन्हें पेंटर उपनाम मिला। जैसा कि हम जानते हैं बाबूराव की रंग योजनाएं यूरोपीय शास्त्रीय शैली से प्रभावित थी। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपनी कला से इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। 1913 में दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज ने फिल्मों में इनकी रुचि जगाई थी। फिर दोनों भाइयों ने यानी कि आनंद राव और बाबूराव ने मुंबई के कबाड़ी बाजार से मूवी प्रोजेक्टर खरीदा और शिवाजी मूवी थिएटर शुरू किया जहां पर फिल्में दिखाई जानी थी ये सोचकर कि इसके लिए फिल्म निर्माण के लिए जो है धन जुट जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं। फिल्मकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी इन्होंने फिल्म में अपना योगदान दिया है। गढ़ आला पन सिंह गेला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसमें वो शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे थे उस वक्त घोड़े से अचानक गिर गए और ऐसी चोट लगी जिससे कि उनकी आवाज हमेशा के लिए खराब हो गई। फिर वे कोल्हापुर आ गए और 16 जनवरी 1954 उनकी मृत्यु तक वहीं रहे। मत नाही येडा झाला दिवा
बाबूराव पेंटर कला के प्रति समर्पित रहे और फिल्मी दुनिया और दर्शकों को दे गए ऐतिहासिक, सामाजिक, उद्देश्यपूर्ण, मनोरंजक और कभी न भूलने वाली चित्र कथाएं और अपने जीवन की यादें। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्मकार बाबूराव पेंटर पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। आज के फनकार।